अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्क केबल्स, जो कि आपके एनालॉग या आईपी सिस्टम्स में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, किस टाइप की होती हैं। पहली सबसे ट्विस्टेड पेयर, सबसे जो है ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर है। और इसको हम नेटवर्क केबल RJ45 या CAT6 या CAT5 केबल्स की कैटेगरी में इसको रखते हैं। और इसकी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस होती है फॉर आईपी कैमरास जैसे RJ45 के साथ, वो 100 मीटर होती है। यानी पावर और डेटा दोनों 100 मीटर तक होता है। वैसे थ्योरी में 150 लिखा होता है, लेकिन क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए 100 मीटर जो है रिकमेंडेड होता है। उसके बाद आ जाती है कोएक्सल केबल। एनालॉग के लिए हम कोएक्सल केबल्स यूज़ करते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 1000 मीटर तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद होता है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। इस पे नेक्स्ट